अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ डीडोज प्रॉब्लम। इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ डीडोज प्रॉब्लम, इसके अंदर दो फंक्शन है। थ्योरी वगैरह बुक में दी हुई है, वो बुक से देख लीजिएगा। एक दफ़ा मैं दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ पे सारी थ्योरी वगैरह दी हुई है। दो इंटेग्रल एक्सट्रीमल कर्व्स ऑफ फंक्शनल हैं, दो इस तरह से वाई जे में, और थोड़ी सी थ्योरी उन्होंने बताई हुई है। ये सारी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी, इसमें कोई ना समझने वाली चीज़ नहीं है। दी प्रूफ इन केस ऑफ डीडोज इनवर्स प्रॉब्लम फॉलोइंग डायरेक्टली इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ पैरामीटर टी वी रोट। अब हमने ये दो फंक्शन है, ये तो हमने मेमोराइज ही करने हैं, हमें पता है एज इट इज़ मेमोराइज करने हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखनी है, जब भी प्राइम की बात हुई है, देखिए यहाँ पे एक्स डॉट है। हम पीछे पूरे चैप्टर में प्राइम्स पढ़ते हैं, जब भी प्राइम की बात होती है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब कहीं पर डॉट आता है ना तो पैरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होता है। कहीं पे भी किसी भी बुक के अंदर, इस बुक में कहीं पे भी आप जब भी डॉट देखेंगे तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है, और अगर प्राइम देखेंगे ऐसे तो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है। तो ये एफ़ और जी दोनों हमें उन्होंने बता दिया, यहाँ पर नया पैरामीटर टी इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस आ गए। अब हमने एज के अंदर एफ़ की जगह पे ये और जी की जगह पे ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल, इसमें एक्स भी है वाई, इसमें एक्स भी है वाई भी है, और इसमें वाई डॉट भी है। पहले डैश था, अब डॉट में बात हो रही है। तो हमने ऑयलर इक्वेशन सिंपल यूज़ करनी है, कोई केस यूज़ नहीं होगा। दी ई एल इक्वेशन आर, अब हमने एक्स के रिस्पेक्ट से और वाई के रिस्पेक्ट से इन दोनों की इक्वेशन लिख लेनी है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट से लिखेंगे, पहले यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होता था क्योंकि डैशेज़ की बात थी, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स आता था। अब टी पैरामीटर है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है, तो डी ओवर डी टी आ रहा है यहाँ पर। ये बात हमने देखनी है। फिर यहाँ पे प्राइम्स तो होता था, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स प्राइम होता था, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स होता था। और अगर वाई होता था तो यहाँ पे वाई वाई प्राइम होता था, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स होता था। लेकिन अब डॉट है तो प्राइम की जगह पर डॉट और डी ओवर डी एक्स की जगह पर डी ओवर डी टी आना। तो इन फॉर्मूलाज को अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया हमने, बना लिया कि इसके अकॉर्डिंग ये वाले दो वाले इक्वेशंस बनेंगी। अब हमें क्या करना है, एज का हमने विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स डेरिवेटिव लेना है, जब एज का हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, ये जीरो हो जाएगा सारा। उसके बाद जब यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो ये एक्स जो है वो वन हो जाएगा और लैम्डा वाई नॉट बच जाएगा, वो वहाँ पे ऐसे का ऐसे ही, और ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स डॉट है। माइनस डी ओवर डी टी ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब अंदर हमने एच का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट से डेरीवेटिव लेना, जब हम इसके ऊपर डेरीवेटिव एक्स डॉट के रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि अंडर रूट है, वन बाय टू है पावर, तो इस पूरे के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर पहले पावर में से कम, पावर के बगैर डेरीवेटिव टू एक्स नॉट, टू टू से कैंसिल, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा माइनस। अब माइनस, अब हमने इसका भी देखना है, हमने इसका भी एक्स नॉट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो अब इसमें एक चीज़ देखें, इसमें तो एक्स नॉट कहीं नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे एक्स नॉट है तो इसका डेरिवेटिव वन, और साथ हमारे पास वाई है वो वैसे ही होगा, तो माइनस ये वाला लैम्डा और यहाँ पर हमारा वाई, क्योंकि एक्स डैश का तो वन हो गया। सेम एज इट इज़ हमने y के रिस्पेक्ट से भी जब डेरिवेटिव लेने हैं तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब हम लोग y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, y1 हो जाएगा माइनस लैम्डा x नॉट हमारे x डॉट आ जाएगा हमारे पास, माइनस डी ओवर डी एक्स टी। और जब हम लोग एज का x नॉट के रिस्पेक्ट से, जिस तरह से हमने y, जिस तरह से हमने x डॉट के रिस्पेक्ट से लिया, इसी तरह से हम y डॉट के रिस्पेक्ट से पूरे का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, अब डेरिवेटिव्स लेने तो आपको आते ही हैं। अब ये दो इक्वेशंस थी, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर डेरिवेटिव को अलग कर लिया, माइनस माइनस प्लस। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वाई डॉट बन जाएगा, उसके बाद माइनस ये वाली वैल्यू के ऊपर हमने वैसे डेरिवेटिव ले लिया, इसका हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, माइनस प्लस माइनस। और इसके और जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्स लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स डॉट बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए ये दो अलग है, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद ये दो आ रही है। अब ये देखें, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये टू लैम्डा वाई डॉट, और ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी, तो माइनस टू लैम्डा एक्स डॉट, ये दोनों बन गई फॉर्म। उसके बाद हमने अब इनकी करनी है इंटीग्रेशन। जब हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो इसका डेरिवेटिव डॉट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब टी में हम लोग काम कर रहे हैं ना,
और डी ओवर डी टी को ही हमने ख़त्म करना है, तो हम इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो इसका डॉट भी ख़त्म, एक्स का डॉट भी ख़त्म, माइनस जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, ये सिंपल अंदर वाला आ जाएगा, इसके ऊपर से भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दूसरी तरफ है जो कि सी वन और सी टू, एक्स वाली जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको हमने सी वन कह लिया और वाई वाली इसको हमने सी टू कह लिया। कांस्टेंट वैसे कोई भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज उठाकर दूसरी तरफ ले जानी है और ये वाली वैल्यू को इधर ले आना है। टू लैम्डा वाई ये वाली इधर आ गई माइनस सी टू और ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ चलेगी प्लस हो गई। उसके बाद इसी तरह हम लोगों ने इसको ये वाली माइनस सी वन इधर आ गई और इस वाली वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ ले जाना और ये दो इक्वेशंस बन गई। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग दम एंड ऐड, इन इसको भी स्क्वेयर करना है और इसको भी स्क्वेयर करना है और फिर हमने दोनों को ऐड कर देना है। इसका स्क्वेयर किया तो ये प्लस, इसका स्क्वेयर किया तो ये आ जाएगा, उसके बाद इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वेयर करेंगे ना हम इसका, तो एक्स डॉट का स्क्वेयर नीचे वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो उसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे इसके भी नीचे एक्स डॉट टू प्लस वाई डॉट टू है, तो एलसीएम लेके हमने इकट्ठा ही लिख लिया। जब हम इन दोनों का स्क्वायर कर गए और इन्हें फिर जब ऐड कर देंगे ना, पहले हमारे पास एक वैल्यू ये वाली बनेगी ये, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास ये वाली बनेगी ये वाली। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो वो ज़ाहिर है हमारे जो डिवीजन में वैल्यू है वो नीचे दोनों के नीचे एक ही है, तो वो एक ही आ जाएगी, ऊपर वाली दोनों ऐड हो जाएंगी, तो वो इस तरह से बन जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, यहाँ पे वन आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि अब हमें एक्स सिंपल चाहिए, एक्स के साथ हमारे पास माइनस टू लैम्डा पड़ा हुआ है, एक्स के साथ माइनस टू लैम्डा पड़ा हुआ है ना, तो अब हम माइनस टू लैम्डा को ले लेंगे कॉमन। माइनस टू लैम्डा को हम लोग कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, हम लोग स्क्वायर में से माइनस टू लैम्डा को कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस टू लैम्डा को कॉमन लेंगे इसके साथ तो था वो बाहर आ गया एक्स माइनस सी वन, इसके साथ तो माइनस टू लैम्डा था ही नहीं, तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा नीचे माइनस टू लैम्डा। जब माइनस टू लैम्डा को बाहर लेंगे तो उसका भी स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और टू स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस। इसमें से भी हमने टू लैम्डा को ही कॉमन लेना है क्योंकि वाई के साथ सिर्फ टू लैम्डा था, उसको हमने कॉमन ले लिया, इसके साथ नहीं था तो इसके साथ नीचे डिवाइड होगा, स्क्वायर इक्वल टू वन ही आ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें ये टू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, क्योंकि दोनों में से टू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आ रहा था तो मैंने इकट्ठा ही बाहर लिख लिया। उसके बाद देखें अब कॉन्स्टेंट की वैल्यूज देखें, हम लोग कॉन्स्टेंट को रीनेम कर सकते हैं ना कॉन्स्टेंट को, ये बात हमें पता है, सी वन डिवाइडेड बाई माइनस टू लैम्डा को हमने सी वन डैश के इक्वल लेट कर लिया और सी टू डिवाइडेड बाई टू लैम्डा को हमने सी टू डैश के इक्वल कर लिया, तो हमारे पास एक्स माइनस सी वन डैश वाई माइनस सी टू डैश का यहाँ पे ऊपर आना है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। और ये हमारे पास इक्वेशन किसकी है, सर्कल की, ये भी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ डीडोज प्रॉब्लम, ये एक तरह से उसकी डेरिवेशन है। हमारे इसी टॉपिक के नीचे एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि सारी थ्योरी बेस्ड है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिंपल हम लूप के ऊपर से देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, यूज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी टू प्रूव दैट द आइसोसेलस ट्रायंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर फॉर ए गिवन एरिया एंड ए गिवन बेस। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी होता क्या, एरिया मैक्सिमम होता है इसमें तो वो अप्रोचेस टू पैरामीटर मिनिमम, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है, हमारे पास एरिया मैक्सिमम है तो पैरामीटर हमारे पास मिनिमम है बाय लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। उसके बाद पैरामीटर क्या है, सेम ऑल ट्रायंगल्स, यानी सारी ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम है, इसका पैरामीटर एलिप्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए, यानी कि पैरामीटर क्या है हमारे पास, सेम ऑल ट्रायंगल्स। अब सारी ट्रायंगल्स सेम किस में होंगी, एलिप्स हमने खुद लेट करनी है। फर्स्ट वी शो दैट यूजिंग अ वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स की एक वेल नोन प्रॉपर्टी है हमारे पास, यानी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स, अब टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, हमने सबसे पहले ये देखना है, तो वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स देखनी है सबसे, डेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ए गिवन बेस एंड गिवन पैरामीटर, ये देखें उन्होंने कहा हुआ हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर फॉर ए गिवन एरिया एंड गिवन बेस। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं एलिप्स में क्या होता है, विद ए गिवन बेस एंड गिवन पैरामीटर द आइसोसेलस ट्रायंगल हैज़ द मैक्सिमम एरिया, लेट F1 एंड F2 बी दी फोकाई। अब फिगर जो है वो 9.6 है, फिगर देख लेते हैं सबसे पहले।
एलिप्स क्या होता है, ये हमारे पास पूरी एलिप्स है। एलिप्स के फोकाई क्या होते हैं, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं मैथ में। F1 और F2 ये इसके दो फोकाई हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम लोग सेंटर यहाँ से, हम लोग कहीं पे भी यहाँ से C0 से देख लें हम लोग F1 और F2 तक, यहाँ C1 से देख लें, हमारे पास डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। ऑल पॉइंट्स हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ F1 एंड F2। C0 का F1 से भी वही डिस्टेंस है और F2 से भी वही डिस्टेंस है। CF1 प्लस CF2, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को अगर ऐड करें, C1 F1 और C2 F2 दोनों का डिस्टेंस को ऐड करें वो 10 है। तो अगर C0 F1 और C0 F2 का डिस्टेंस भी अगर हम ऐड करें तो वो भी 10 नहीं होगा। इसी तरह C2 F1 और C2 F2 का, आपने खुद से नहीं अंदाज़े लगाने के छोटा लग रहा है बड़ा, उन्होंने सिर्फ ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों इक्वली इक्वल है। इनका पैरामीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे अब उन्होंने कहा है वी टेक F1 एंड F2 एज दी बेस। अब मैंने आपको डायग्राम पहले बता दिया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि F1 और F2 को हमने बेस ले लिया है और एज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड C1 F1 F2 C2 F1 F2 C3 F1 F2 etc। यानी ये सारी हमारे पास ट्राइंगल है, C1 F1 F2 आगे C2 F1 F2। यानी ये देखेंगे सारी ट्राइंगल्स हैं, ये भी C0 से भी ट्राइंगल है, C1 से भी, ये सारी हमारे पास जो ट्राइंगल है ETC उन्होंने करके कर दिया, सारी ट्राइंगल है। सिंस द सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन एलिप्स फ्रॉम इट्स फोकाई इज कांस्टेंट, यानी कि उन्होंने कहा है कि हम लोग किसी भी ऊपर उसकी एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट पड़ा होगा उसका, उसके फोकाई से सारा डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंसेस सबके कांस्टेंट हैं, सबके वैल्यूज सेम है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रायंगल, यानी कि इट फॉलोज दैट द ट्रायंगल C1 और C2 etc हैव द सेम पैरीमीटर C1 और C2। ये देखें, ये भी इधर पड़ा हुआ है, ये भी तकरीबन उसी सेम पोजीशन पर ऑपोजिट साइड पे C1 और C2 पड़ा हुआ है। अगर इसकी ट्रायंगल देखे जाए और इसकी ट्रायंगल का देखा जाए तो डिस्टेंस दोनों के सेम है, यानी दोनों का पैरीमीटर सेम है, हैव द सेम पैरीमीटर। हाउ एवर द ट्रायंगल C0 F1 F2 विच हैज़ द लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड एंड विच इज़ एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैव द मैक्सिमम एरिया। लेकिन उन्होंने कहा है सबके बिल्कुल सेम है, लेकिन उन्होंने कहा है जो सेंटर है ना, बिल्कुल अबव सेंटर, जो बिल्कुल एलिप्स के ऊपर सेंटर में वैल्यू पड़ी हुई है C0, उन्होंने कहा है कि उसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, मैक्सिमम है, तो उसका पैरीमीटर भी ज़्यादा होगा। यानी कि फिलहाल आप इस सेंटर वाले को छोड़ें, आप इन तीन को देखें, तीनों जो ट्राइंगल्स बन रही हैं तीनों के डिस्टेंसेज उनके फोकाई से सेम है। सबसे पहले उन्होंने यही लिखा, वी टेक F1 F2 एज ए बेस फॉर द ट्राइंगल C1 F1 F2 और C2 F1 F2 C3 F1 F2 etc। उसके बाद सिंस सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन एलिप्स फ्रॉम इट्स फोकाई कांस्टेंट है, इनका इसके फोकाई से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है इट फॉलोज दैट द ट्राइंगल C1 F1 F2 एंड C2 F2 etc हैव द सेम पैरामीटर, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं ना, ये वाले, इनके पैरामीटर बिल्कुल सेम है। अगर ये ट्राइंगल सेम बना रही हैं, फोकाई से वैल्यूज भी इनके सेम बन रही हैं, तो इनके पैरामीटर भी सेम होंगे। लेकिन हाउ एवर द ट्राइंगल C0 F1 विच हैज़ द लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड, उन्होंने कहा है कि हालांकि ये भी ऊपर ही पॉइंट के पड़ा हुआ है, इसके भी F1 और F2 से डिस्टेंस सेम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा, विच इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज़ द मैक्सिमम एरिया। C0 जो उन्होंने कहा है कि F1 जो बिल्कुल दरमियान में वैल्यू पड़ी होगी ना, वो ज़्यादा अच्छे से डिस्टेंस कवर करेगी। अगर F1 तक देखें और F2 तक देखें, आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होती है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये दरमियान में पॉइंट पड़ा है इसका F1 से और F2 से, इसका ज़्यादा डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल होगा F1 से भी और F2 से भी। तो उन्होंने कहा है विच हैज़ लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड विच इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, जो कि एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, दरमियान में से पॉइंट F1 तक भी उतना ही होगा, F2 तक भी उतना ही होगा, दोनों साइड्स बराबर होंगी। लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड विच इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज़ द मैक्सिमम एरिया, उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो बाय द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी इट फॉलोज दैट ऑल ट्राइंगल्स विद द गिवन बेस एंड गिवन एरिया द आइसोसेलस ट्राइंगल। यानी कि उन्होंने अब कहा है कि इन जनरल जितनी भी
ऑल ट्राइंगल्स, जितनी भी ट्राइंगल्स होती हैं, ये हमने एलिप्स की एक एग्जांपल ली है। उन्होंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, सिर्फ हमने एलिप्स के थ्रू उसको प्रूफ एक बात करवाई है, वो ये कि ऑल ट्राइंगल्स विद द गिवन बेस एंड गिवन एरिया, उसके एरिया भी गिवन हो और उसकी बेस भी गिवन हो, तो आइसोसेलस ट्राइंगल हैव द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बेस भी गिवन हो, एरिया भी गिवन हो और वो आइसोसेलस ट्राइंगल बना रही हो, तो वो मैक्सिमम एरिया, अगर उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, अगर एरिया मैक्सिमम हो तो पैरामीटर जो होता है वो मिनिमम होता है। वो आइसोसेलस ट्राइंगल्स जो बनाएगा हैव द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। यहाँ पे एलिप्स के अंदर सारी वैल्यूज़ फोकाई से सेम होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक वैल्यू उठा के, वैसे तो सबका डिस्टेंस सेम है, लेकिन उन्होंने एक वैल्यू उठाया जो दरमियान वाली है ना, वो ज़्यादा अच्छी आइसोसेलस बना रही है। F1 से भी बिल्कुल सेम है क्योंकि दरमियान में पड़ी, F2 से भी एग्जैक्ट सेम है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लेके सिर्फ बताया कि उसका एरिया बड़ा है, वो ज़्यादा अच्छी आइसोसेलस ट्राइंगल बना रही है, ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कवर कर रही है। मैक्सिमम एरिया अगर कवर कर रही है तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी उसका पैरामीटर मिनिमम होगा। सिंपल, यही चीज़ उन्होंने स्टेटमेंट में पूछी हुई थी। तो यहाँ पे ये दोनों टॉपिक हो गए हमारे डन और यहाँ तक ख़त्म। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योडेसिक प्रॉब्लम्स। इसकी पहली 5 एग्जांपल्स हैं जो मैंने करवानी है, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप कर देना है। वो एग्जांपल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको कवर करवाऊंगी। ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में किया है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।